इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट शो द लिबरेटेड हीट, इट शो द लिबरेट हीट, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एंटर इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोलो क्लियर है? तो हमारे लिए यहां पर ये हमारे पास एक्स है, हमने एक इलेक्ट्रॉन डाला और एक्स माइनस वन गया, तो जो हीट लिबरेट होगी उस हीट को वन एटम में, ध्यान रखना उस हीट को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ई है की पॉइंट क्या होगा, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें फुल फिल है, फुल फिल या हाफ फिल है, हाफ फिल सब शेल है, और उस एलिमेंट का नाम मान लीजिए वाई है, उसमें इलेक्ट्रॉन डालना नहीं डालते हो ना तो उल्टा रिएक्शन होता है, एक्शन नहीं होता रिएक्शन हो जाता है सीधा, वाई माइनस आपको एनर्जी लिबरेट नहीं होती एब्जॉर्ब होती, यानी कि यहां हीट देनी पड़ती है आपको। तो अब क्या करें, हम डेफिनेशन के अपोजिट है तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोल देंगे हम, नॉट डिफाइन या जीरो, क्योंकि जो डेफिनेशन है ना उसके अकॉर्डिंग तो जो लिबरेट हीट है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, जो एब्जॉर्ब हीट है उसको तो आप बोल ही नहीं सकते कुछ, तो नॉट डिफाइंड या फिर आपको क्या मानना पड़ेगा जीरो। थ्योरी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हो गया, नॉट डिफाइंड का मतलब हाइपोथेटिकल, या फिर आप क्या बोलना पड़ेगा जीरो। समझ में आ रही है बात, गणित समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? देखो बेटा जैसे हीलियम गैस है, मान ले हीलियम है, आप हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हो हीलियम माइनस, हाईली अनस्टेबल, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी या अंदर से लेनी पड़ेगी, ये खुद लिबरेट करेगा, बाहर से देनी पड़ेगी और बाहर से भी थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा केस है जहां एनर्जी इस तरफ है हीट, और इस हीट को तो हमारे लिए दिक्कत हो रही है, तो यहां हमें क्या पढ़ना पड़ेगा जीरो या नॉट डिफाइन बोल दो ज्यादा अच्छा है। ये दिक्कत हमारे को आयनाइजेशन एनर्जी में क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां तो हमेशा देनी ही पड़ती थी, यहां कभी देनी पड़ रही है कभी लेनी पड़ रही है, तो जब ये लिबरेट कर रहा है तो उसको तो डिफाइन कर दिया, लेकिन जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है उसको डिफाइन करना भूल गए हम डेफिनेशन में, तो नॉट डिफाइन हो गया। समझ में आ रही है? तो यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो या नॉट डिफाइन बोल दो। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है ही नहीं, ये लेना ही नहीं चाहते, लेना चाहते हैं क्या, नहीं। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले आप चालू हो जाओ फुल फिल एस ऑर्बिटल, बेरिलियम मैग्नीशियम, फिर हाफ फिल नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फिर ऑल इनर्ट गैस, ये सब के लिए अपन क्या करते हैं
डी ब्लॉक की बात नहीं कर रहा अभी, तो मैं सिंपल सिंपल बात कर रहा हूँ, हाफ फिल और फुल फिल। दस तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनर्ट गैस, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? जीरो, या नॉट डिफाइन हम कह देंगे। अब आगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेन टारगेट हमारा वही है, हेडिंग डलेगा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन का वेलकम उतना ही अच्छा होगा, लिबरेट एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। या सुनो, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ साइज। अगर आप सोचिए साइज बढ़ेगा तो बहुत दूर आएगा आने वाला इलेक्ट्रॉन, कोई फायदा नहीं है उसको, इतनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम होगी। तो जो जनरल ट्रेंड बनेगा, पहले तो एक बार नॉर्मल ट्रेंड ऊपर से नीचे आएंगे, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम। तो थर्ड पॉइंट एक साथ अगर हम लिखना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम। पीरियड में हमेशा आंसर किससे देते हो आप? जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव कम नहीं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बढ़ेगी, और यहां आंसर किससे देते हो? साइज से। साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम। आपको मैंने पहले ही बताया ऊपर से नीचे आने पे जेड इफेक्टिव अप्रोक्सीमेट क्या रहता है, एस और पी ब्लॉक में तो खासतौर पर कॉन्स्टेंट रहता है, तो आंसर जेड इफेक्टिव से मत दो, साइज से दो। और यहां साइज चेंज होती है लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना? तो ये आपके पास रह रहा है, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो अब आगे, अब बारी किसकी आ रही है? एक्सेप्शंस की, यानी थर्ड पॉइंट जो हमारे पास, फोर्थ पॉइंट आ रहा है, इफेक्ट ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल सबशेल। अगर कोई हाफ फिल है और फुल फिल है, जैसे ये हाफ फिल है और ये फुल फिल है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन या फास्फोरस के लिए, ये मैंने ले लिया नियोन आर्गन के लिए, सही है? तो जब मैं यहां नाइट्रोजन फास्फोरस या यहां नियोन और आर्गन ले रहा हूं मैं, तो यहां पर सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? जीरो। कोई दिमाग ही नहीं लगाना आपको, नॉट डिफाइन है या जीरो मान के करेंगे आप, कंपैरिजन करना है। तो कैसे कंपैरिजन होगा करते हैं, चलो पीरियड के अंदर करते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो बेरिलियम क्या है? NS2 यानी 2s2। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई? जीरो। इन सब में तो यही जीरो है, दो जीरो में कंपेयर करना मुश्किल है कौन सा बड़ा जीरो है, लेकिन बाकी में तो कर सकते हो। तो ये जीरो हो गया, तो बेरिलियम सबसे कम, लिथियम, बोरोन, कार्बन लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी, तो एक्सेप्शन कौन है? ये है बेरिलियम। दूसरा एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम।
सिलिकॉन, कौन जीरो है? ये 3s2 फुलफिल एस ऑर्बिटल की वजह से। तो ऑर्डर क्या रहेगा? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की ज्यादा होगी। तीसरा एक्सेप्शन कहाँ आएगा? एग्जाम्पल यहां से चलो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक्सेप्शन कौन होगा? ये 2p3 हाफ फिल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी इसकी? इसकी भी जीरो है, नॉट डिफाइंड। तो क्या करोगे? जीरो को तो हमेशा पहले ही रखोगे। आपके दिमाग में यही आ रहा है सर, अगर बेरिलियम और नाइट्रोजन में कंपेयर करो तो दो जीरो में कंपेयर करने के लिए कोई नहीं पूछेगा आपसे, तो पूछने वाला भी तो थोड़ा समझदार होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में नहीं पूछेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्या होगा? फास्फोरस सबसे कम क्योंकि वो तो जीरो है, सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे। अब फैक्टर एक और, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज का भी फर्क पड़ता है ऑफ एटम। इसका एग्जाम्पल बनेगा फ्लोरीन। फ्लोरीन में आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, एफ माइनस बनेगा, और क्लोरीन में भी एक इलेक्ट्रॉन डाला, सी एल माइनस बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? तो क्या हो क्या रहा है? किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की, लेकिन कम है। तो यहां क्या रीजन है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ 2p ऑर्बिटल। ये 2p है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज वेरी हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कितना कम होता है? डाटाबेस है, हमें याद ही रखना पड़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। एग्जाम्पल, तो यानी होना चाहिए था फ्लोरीन को और हो कौन गया? क्लोरीन। तो इसका मतलब मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव एलिमेंट कौन सा होगा? मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव एलिमेंट इज कौन होगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? क्लोरीन। फ्लोरीन है यहां पर सेकंड मोस्ट, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। एक मिनट सामने देख लो, फिर एक बाद में लिख लेना। एक और एग्जांपल आपका इंतजार कर रहा है, करें एक और एग्जांपल। और अब ले रहा हूं मैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दिस। आंसर क्या होगा इसका? सबसे ज्यादा किसका होगा? सल्फर का। फिर सल्फर के बाद किसका होगा, जल्दी से बोलो,
होना चाहिए था ऑक्सीजन का, सेलेनियम, फिर होना चाहिए था ऑक्सीजन का टेलेरियम का, फिर होना चाहिए था ऑक्सीजन का पोलोनियम का, फिर ऑक्सीजन का, एक्सेप्शन है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस, तो वो नहीं लग रहा ना एक्सेप्शन, इसीलिए तो एक्सेप्शन है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां तक तो साइज फैक्टर लग रहा है, और यहां पर उल्टा चल रहा है, किसी चीज के छोटा होना भी अति भी नुकसान करती है। इसमें मैंने बताया ना डाटाज ही आपका आंसर है, आपको याद होना चाहिए कि किस पोजीशन पे जाके रुकेगा वो। अरे भाई एक बार और सुन ले, ये पीरियोडिक टेबल है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नीचे जाने पे साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होनी चाहिए थी, ठीक है, ये तो होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेट कर गए, यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे थे, तो अति हो गई, साइज छोटा होने से फायदा होना चाहिए था, यहां उल्टा नुकसान हो गया, किसको नुकसान हुआ, क्लोरीन को हुआ, नहीं, किसको नुकसान हुआ, फ्लोरीन को हुआ है, समझ में आया, अच्छा यहां ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम होना ये चाहिए था, होना चाहिए था ना, ये नुकसान किसको हुआ, ऑक्सीजन को, सही है, अब ये तो समझ में आ गया इसको नुकसान हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसका पता कैसे चलता है, प्रैक्टिकल डाटा से, और वो प्रैक्टिकल डाटा आया कि इसको इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि ये पोलोनियम से भी नीचे पहुंच गया, इसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, ये सिर्फ क्लोरीन से नीचे जा पाया, अब समझ में आई, तो प्रैक्टिकल डाटा की भी जरूरत है हमें, आप थ्योरी से ये तो समझ सकते हो कि हाँ ट्रेंड इसको कम हो रहा है, लेकिन ये तो नहीं बता सकते कितना कम हो रहा है, तो लिखें इसको, हम बात कर रहे हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है, तो हेडिंग क्या डालेगा हमारे लिए, रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड डेल्टा एच ई जी, ई जी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईए का मतलब हमारे लिए, यहां हमारे पास डेल्टा एच ई जी किस पे डिफाइन होता है, किलो जूल पर मोल पे, बोलो यस और नो, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे डिफाइन होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे, आ रही है बात समझ में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को किस में कन्वर्ट करना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को आपको करना है किलो जूल पर मोल में, तो किस 96.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, डेल्टा एच के साथ हमेशा प्लस माइनस साइन लगता है, प्लस माइनस, जबकि ईए के साथ कोई साइन नहीं लगता, सिर्फ प्लस रहता है, क्योंकि वो डेफिनेशन में ही है लिबरेटेड हीट, अगर एब्जॉर्ब होती है तो हम नॉन डिफाइंड वैल्यू बोल देते हैं, ऐसा हमने बोला था, तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, माइनस, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये अपने आप में हमेशा प्लस होगी, जबकि लिबरेट होने की वजह से यहां क्या हो जाएगी, माइनस, बोलो यस, क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ये अपने आप में प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं माइनस ही हो, प्लस माइनस भी हो सकती है, तो मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहला चीज डेल्टा एच ई जी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस माइनस दोनों हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव,
नेगेटिव बोलेंगे लिबरेट हीट को, और पॉजिटिव बोलेंगे एब्जॉर्ब हीट को, एब्जॉर्ब हीट। अब यहां हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, फर्स्ट अगर किसी में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, वो एलिमेंट आपके पास इनर्ट गैस है, या फिर हाफ फिल और फुल फिल स्टेबिलिटी रखता है, हाफ फिल और फुल फिल। फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, कॉन्फिगरेशंस। तो इसके लिए डेल्टा एच ईजी की वैल्यू पता है क्या होती है? नेगेटिव। जबकि इसके लिए ईए की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन, या जीरो बोल देते हो आप, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं लेने के लिए। आ रही है बात समझ में? दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास? सेकंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, अगर किसी में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया और फिर वापस इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एंटर करा रहे हैं, डालने का मतलब एंटर करा रहे हैं, तो पता है क्या होगा उस कंडीशन में? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा, उससे सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो हमारे लिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जनरली सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा आपके लिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ओ माइनस बनाया, ओ माइनस से ओ माइनस टू बनाया, ये है डेल्टा एच वन और ये है डेल्टा एच टू, ये क्या होगा आपके लिए? नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी लिबरेट होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा डालने के बाद स्टेबिलिटी और बढ़ेगी, हमें लगा और ज्यादा नेगेटिव होगा, हमें यही लगा क्योंकि इनर्ट गैस आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी बढ़ेगा और उसकी वजह से ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यानी फर्स्ट हमारे लिए नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ओ से डायरेक्ट ओ माइनस बनाएंगे तो डेल्टा एच थ्री की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आप कह रहे हैं, गलत। प्रैक्टिकल डाटा इसको पॉजिटिव बता रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज स्मॉल है, ये मैग्नीट्यूड वाइज बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फ्रॉम ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? तो यहां हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम इज एंडोथर्मिक, देन वाई ऑक्साइड आयन जनरेट, वाई ऑक्साइड आयन जनरेट। जब ये एंडोथर्मिक है तो जनरेट क्यों हो रहा है फिर? उसका कारण है, आंसर क्या लिखोगे आप बताइए, चलो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जब O से O माइनस बन रहा है, O माइनस टू, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो फिर ऐसा काम क्यों हो रहा है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो?
उसका रीजन है बिकॉज बॉन्ड जनरेट बाय ओ माइनस टू इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उस पूरे प्रोसेस में हीट लिबरेट होगी, तो वो जो एब्जॉर्ब हीट है वो उससे कंपनसेट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? भाई सिंपल सा लॉजिक है। मुझे किसी ने कहा आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें सिर्फ 10,000 रुपये और लगा दो, उससे आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपये बढ़ जाएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा यार 1 लाख बढ़ जाएगा 10,000 लगाते, तो मैं क्या करूंगा, लोन लेके लगा दूंगा। लेकिन अगर किसी ने कहा आप अपने बिजनेस में 10,000 रुपये लगाओ 10,000 का ही प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फिर मैं क्यों रिस्क लूंगा, फालतू लोन लूंगा इंटरेस्ट दूंगा। तो यहां कौन सा वाला केस हो रहा है? फर्स्ट वाला। तो इसलिए इसका आंसर होगा बिकॉज बॉन्ड फॉर्म बाय ओ माइनस टू इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिबरेट हाई अमाउंट ऑफ हीट, हाई अमाउंट ऑफ हीट। एंड दिस लिबरेट हीट कंपनसेट डेल्टा एच इजी। एंड लिबरेट हीट कंपनसेट डेल्टा एच ई जी, वो उसको कंपनसेट कर देगा, क्योंकि ओ माइनस टू से बनने वाला बॉन्ड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो समझ में आ गई बात? तो अगर आप ओ माइनस टू से बनाते हैं तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो आपके लिए ये पॉइंट हो गया। तो इसमें आपने जो पढ़ा है ना, ये तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट, की पॉइंट दो हो गए, तीसरा की पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है। कोई भी मेटल एम है, या कोई भी मान लीजिए ए एलिमेंट है, ए से आपने क्या बनाया, ए प्लस। समझ में आ रहा है? ए प्लस से आपने वापस ए बना लिया, इसको आप क्या बोलोगे, डेल्टा एच आई ई बोलोगे या नहीं बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, डेल्टा एच ई जी। किसके लिए बोलोगे, ये ए के लिए या ए प्लस के लिए? ए प्लस के लिए। क्लियर है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों नेगेटिव साइन के होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे, सेम ए। क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर किसी ने ऐसे लिख दिया, अब बताइए क्या ये सही है? क्या ये तो सही है, ये तो प्रूव कर लिया आपने, क्या ये सही है? क्या चेक करें इसको? इसको कैसे चेक करेंगे? आई ई ए का मतलब क्या है, ए प्लस से ए प्लस टू बनाना, आई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालना, और ई जी ए का मतलब क्या है, ए से ए माइनस बनाना। क्या ये दोनों एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी? अलग होगी, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कैसे देखते हैं। आ गई बात समझ में? तो चलिए इसी पॉइंट पे मैं कुछ और आपको एग्जांपल या क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से करिए आप। एग्जांपल इसी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप,
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशनशिप, कौन सा सही होगा? ए फर्स्ट डेल्टा एच ई जी ए माइनस इज इक्वल टू डेल्टा एच, ए माइनस की जगह मैंने यहां ए प्लस लिख दिया, डेल्टा एच ई आई ई ए प्लस टू ए माइनस, सही है। बी डेल्टा एच ई जी ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एच आई ई ए माइनस सी डेल्टा एच ई जी ए माइनस इज इक्वल टू डेल्टा एच आई ई ए माइनस टू डी डेल्टा एच ई जी ए प्लस डेल्टा एच ई जी आई ई ए। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी से अगर आपको बताना हो तो आप बताएं कैसे करेंगे इसको, क्या लग रहा है आपको आंसर? इसको करने का तरीका सिंपल है, आप पहले देख लीजिए ईजी ए प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस में इलेक्ट्रॉन एंटर करना, ईजी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ए प्लस को ए में कन्वर्ट करना पक्का, और ए माइनस का आई ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालना, तो आई माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, सॉरी ए माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा ए। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं, समझ में आ रहा है? सेकेंड इसको देखिए बी को, तो ये तो गलत हो गया, बी को देखते हैं, ई जी ए एक के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कराना, तो ए से ए माइनस, ए माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, आई का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी। क्या दोनों सेम है? डायरेक्शन वाइज भले ही अपोजिट है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दिया है, इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, बाकी सब सेम है, अमाउंट वाइज डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। तो क्या ये आंसर सही जाएगा? हाँ ये आंसर सही जा रहा है। थर्ड सी देखिए, ए माइनस, ए माइनस को किस में कन्वर्ट करोगे आप, ए माइनस टू में, और वहां आई ई का मतलब ए माइनस टू से आप क्या लेके आएंगे, क्या सेम स्पीशीज दिख रही है, दोनों का डिफरेंस सेम होगा, ये भी सेम है, बस मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। अब लास्ट डी, अभी तक तो हमारे बी सी डी भी सही होगा, ए प्लस में ई जी का मतलब इलेक्ट्रॉन एंटर ए बना दिया, और आई ई ए से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ए से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या सेम स्पीशीज आ रही है? हाँ, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा, इसलिए आपके आंसर क्या जाएंगे इसके, बी सी डी। समझ में आ गई बात, ऐसे चेक करते हैं, कोई डाउट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, आप पहले इसको लिखें, हमने एक लेवल करा है, अब थोड़ा और टफ लेवल पे बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस पे। देखिए आप मुझे बताएं, सेकंड लेवल, समझना बात को, आप इतना तो जानते हैं, एक और एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम से बेरिलियम प्लस बनना और लिथियम से लिथियम प्लस बनना,
आप समझिएगा बात को, कौन से लिए, किसके लिए ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बीई की या एलआई की, बताइए। बीई की ज्यादा है, जनरली लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ती है ना। और तीसरा एक और एग्जांपल ले लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। यहां मुझे लिखना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी। आप बताइए किसकी ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा एच, जल्दी से कंपेयर, इसको मान लीजिए डेल्टा एच 1, 2, 3, डेल्टा एच 1, डेल्टा एच 2, डेल्टा एच 3 में कंपेयर करिए, बोलो कर सकते हो। हाँ, सबसे ज्यादा किसकी होगी इसमें, बेरिलियम की, क्योंकि तो सबसे ज्यादा होगी यहां पर डेल्टा एच 1। हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बचपन से पढ़ा है अपन ने। फिर उसके बाद होगी डेल्टा एच 3 और सबसे कम होगी डेल्टा एच 2। कोई डाउट किसी को, यस और नो, दूस समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, सोच के बोलो। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करा जाए तो मैं ये भी बोल सकता हूं, ईजी ऑफ बेरिलियम प्लस, बात एक ही है, बेरिलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ले लो, लेंगे तो बेरिलियम बन जाएगा। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, ईजी ऑफ एलआई प्लस। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, डेल्टा एच ईजी ऑफ बोरोन प्लस। तो अब जब यहां मैं इसको कंपेयर करूंगा, एक और की पॉइंट हमारे पास आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा एच 1 ज्यादा है तो डेल्टा एच ईजी किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम प्लस का मैग्नीट्यूड वाइज। फिर उसके बाद किसका आएगा, डेल्टा एच ईजी बोरोन प्लस का, और फिर सबसे ज्यादा किसका आएगा, डेल्टा एच ईजी। लिथियम प्लस का, हाँ या ना। अच्छे समझ में आ गया, तो ये भी एक हमारे लिए छोटे छोटे कंसेप्ट है कि हम कैसे क्वेश्चंस को घुमा रहे हैं। कुछ समझ में आया, चलो ठीक है। एक और पॉइंट अगर आपसे पूछा जा रहा है बहुत इजी वे में, एग्जांपल कंपेयर डेल्टा एच आई ई ओ माइनस एंड डेल्टा एच आई ई ओ माइनस 2, कौन ज्यादा होगा, तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व। डेल्टा एच आई ई ओ माइनस का मतलब क्या है, ओ माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकाल के ओ बनाना, और डेल्टा एच आई ई ओ माइनस 2 का मतलब क्या है, ओ माइनस 2 में से ओ माइनस बनाना। आपको मालूम है मैग्नीट्यूड वाइज कौन सी वैल्यू बड़ी थी, मैग्नीट्यूड वाइज याद करो, अपने आज ही करा है। तो इसका मतलब डेल्टा एच आई ई
ओ माइनस टू इज बिगर देन डेल्टा एच आई ई ओ माइनस, क्या बोलते हो? हमने करा है ये आज, करें इसको। सारे पॉइंट्स हैं जो आपको करने होंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम इसी तरह से बना सकते हैं। आप मुझे बताएं आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, फर्स्ट ग्रुप की या सेकंड ग्रुप की? सेकंड ग्रुप की। अगर मैं कंपेयर करूंगा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप अच्छे से जानते हैं, एक और पॉइंट हो जाएगा थर्ड नंबर का, क्या जानते हैं आप? ध्यान से सुनिए, आपको मैंने ये बहुत अच्छे से बताया, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ग्रुप की इतनी कम होती है कि सेकंड ग्रुप से तो हमेशा क्या रहेगी, कम। ऐसा मैंने बोला था, कभी बोला था ना? तो आज उसी को यूज करना चाह रहा हूं मैं। कैसे यूज करूंगा मैं, ध्यान से सुनना। डेल्टा एच ई जी मैग्नीट्यूड वाइज ऑफ, मैं ले रहा हूं इस तरफ से, किसको ले रहा हूं मैं, नीचे ले लेता हूं, लिथियम बेरिलियम बोरोन, नहीं सॉरी, बेरिलियम मैग्नीशियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरा जी। तो मैंने यहां पर ले लिया बेरिलियम, बेरियम प्लस, क्या ले लिया, बेरियम प्लस, एंड डेल्टा एच ई जी, और किसके लिए ले रहा हूं मैं, पोटेशियम के लिए, पोटेशियम प्लस के लिए, कौन सी ज्यादा होगी जल्दी से बताइए, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, कंपेयर करना है आपको। तो आप कैसे करेंगे, देखो डेल्टा एच ई जी का मतलब क्या है, बेरिलियम प्लस, बेरियम प्लस का मतलब क्या है, बेरियम प्लस में इलेक्ट्रॉन एंटर कराना और बेरियम बनाना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, यानी बहुत नीचे का एलिमेंट है, और इधर डेल्टा एच ई जी पोटेशियम प्लस का मतलब है के प्लस में के बनाना, समझना बात को, यहां और यहां में क्या अंतर है, बहुत अंतर है, क्योंकि ये वैल्यू डेल्टा एच आई ई ऑफ एल्कली मेटल इज वेरी वेरी लेस, तो इसका मतलब डेल्टा एच आई ई ऑफ के प्लस, के इज वेरी लेस, तो इसका मतलब इन दोनों का गैप बहुत कम है, तो वो ईजी के केस में भी क्या होगा, कम ही रहेगा। तो क्या मैं आंसर लिख सकता हूं अपना, आंसर क्या बनेगा इसका, डेल्टा एच ई जी के प्लस इज लेस देन डेल्टा एच ई जी बी ए प्लस, कुछ समझ में आ रहा है? तो कहां से कहां लॉजिक को कनेक्ट करना है ये भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लिखिए इसको, जो भी पढ़ाया उसको एक की पॉइंट के साथ और फ्री करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना चाहना सुनना है आपको, और वो की पॉइंट क्या है आपके पास, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट ये है, ध्यान से सुनना, डेल्टा एच ई जी ऑफ ए एंड डेल्टा एच आई ई ऑफ ए आर नॉट सेम थिंग, आर नॉट सेम थिंग बट डेल्टा एच ई जी ऑफ ए प्लस एंड डेल्टा एच आई ई ऑफ ए आर सेम मैग्नीट्यूड वैल्यू, ये हमारे लिए पॉइंट है, कुछ समझ में आ रही है बात अच्छे से? इसीलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं डेल्टा एच ई जी सो नाइट्रोजन और डेल्टा एच ई जी ऑक्सीजन
कौन ज्यादा होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगा, क्लियर करें, क्योंकि नाइट्रोजन फुलफिल है। दूसरी तरफ डेल्टा एच ई जी, नाइट्रोजन प्लस और डेल्टा एच ई जी नाइट्रोजन, किसकी ज्यादा होगी? बताओ जल्दी से किसकी ज्यादा होगी सोचकर। जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन प्लस का मतलब क्या है? हाफ फिल है या नहीं है? नहीं है, जबकि ये क्या है? हाफ फिल है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा क्या? नहीं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। डेल्टा एच ई जी कार्बन, डेल्टा एच ई जी नाइट्रोजन, किसकी ज्यादा है? कार्बन। नाइट्रोजन की तो ई जी बहुत कम है, क्योंकि हाफ फिल और फुल फिल की ई जी क्या होती है? जीरो। सोचो थोड़ा सा, डेल्टा एच ई जी कार्बन माइनस और डेल्टा एच ई जी कार्बन, किसकी ज्यादा होगी? कार्बन। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इजी है। तो तुमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूछा है बेटा, ओ प्लस और सी माइनस में लिख लो कॉपी में आप, डेल्टा एच ई जी ओ प्लस और डेल्टा एच ई जी सी माइनस में किसके लिए ज्यादा होगी? ओ प्लस, जेड इफेक्ट, क्योंकि दोनों ही हाफ फिल है, लेकिन जेड इफेक्टिव इसके लिए क्या है? ज्यादा है, हाई। अब बात आती है एक और पॉइंट की जो बिल्कुल हट कर है, कंपेयर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कैसे कंपेयर करेंगे। तो चलिए अब आपके साथ में कुछ अच्छे एग्जाम्पल और शेयर कर रहा हूं। कंपेयर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, कंपेयर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, कंपेयर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, किसके लिए कर रहा हूं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर? सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो देखो जब कंपेयर करना है आपको इसको, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कार्बन क्या हो जाएगा? बोरोन। नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? कार्बन। ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन। और फ्लोरीन क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। तो बताइए सबसे ज्यादा किसकी रहेगी यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी? नाइट्रोजन की। तो नंबर वन पे ये, नंबर टू पे फिर ये, लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे, सॉरी नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है। सेकेंड के लिए निकालने तो पहले नाइट्रोजन बना के फिर चेक करो। तो नंबर वन पे ये हो जाएगा, नंबर टू पे ये हो जाएगा, नंबर थ्री पे ये हो जाएगा, नंबर फोर पे ये हो जाएगा। तो आंसर होगा सबसे ज्यादा आपके पास ओ, फिर फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल आप ले लो, कंपेयर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? अब आप सेकंड निकालने के लिए लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। लिथियम अब क्या बन गया? हीलियम। बेरिलियम क्या बन गया? बोरोन। बोरोन क्या बन गया? बेरिलियम।
और कार्बन क्या हो गया? बोरोन। तो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? हीलियम की। नंबर वन ये हो जाएगा लिथियम। सेकंड की बात कर रहे हो आप, तो एक निकाल के फिर आपको देखना पड़ेगा। फिर किसकी होगी? बेरिलियम, बोरोन। तो नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। बेरिलियम किस में बन जाएगा? लिथियम में। बोलो यस और नो। तो आंसर क्या होगा? लिथियम सबसे ज्यादा, फिर बोरोन, फिर कार्बन और सबसे कम बेरिलियम, क्योंकि वो लिथियम बन चुका है। तो ये आपको समझ में आया या नहीं आया? तो इसी तरह से हमसे और एग्जांपल बोल सकते हैं। कंपेयर थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस जगह पता है क्या लेगा वो? यहां ले लिया उसने लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो पहले ये बताइए कि दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बन जाएगा? ये हीलियम। पक्का? लिथियम मत लो यार, लिथियम से भी और नीचे चला जाएगा। ये लो बेरिलियम, लिथियम और फिर क्या बन जाएगा? हीलियम। दो तो निकाल दो आप, तीन निकालने को बोल रहा है, दो निकाल दो। निकाल लिया आपने? ये क्या बन जाएगा दो निकालने के बाद? बोरोन। तो आप बताइए आंसर क्या होगा? अब निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल किस में होगा इन सब में? नंबर वन पे हीलियम, नंबर टू पे बेरिलियम, नंबर थ्री पे, नंबर फोर पे ये। तो अब आपका आंसर आएगा बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन और फिर बोरोन। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल। कंपेयर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आई का मतलब 10। तो अब मैं ले रहा हूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कितने निकालोगे आप? दो। जब दो निकाल लोगे कार्बन, थर्ड के लिए कंपेयर कर रहे हो तो दो निकाल लो पहले से। तो कार्बन एक साथ लिख लेना, पहले समझ लो। तो क्या बन जाएगा कार्बन? क्या बन जाएगा? बेरिलियम। नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? बोरोन। ऑक्सीजन और थर्ड की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा किसका होगा? हाफिल फुलफिल में, यहां पर। फिर आयनाइजेशन एनर्जी किसकी? कार्बन की आती है। समझ में आ रहा है? फिर सही है। तो आपका आंसर आएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। सही है? बोलो हाँ या ना। हम बात करते हैं कंपेयर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और मैं ले रहा हूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और एक और एग्जांपल आप लेंगे तो बताइए कैसे कंपेयर करें। इलेक्ट्रॉन सेकंड निकालना है, सॉरी सेकंड एंटर कराना है, तो पहले एक तो करा दो आप। तो क्या हो जाएगा? कार्बन क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये क्या बन जाएगा? नियॉन। तो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी इनमें? फ्लोरीन की। फिर सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एंटर कराना मुश्किल है और नियॉन में तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और फिर फ्लोरीन, ये आपका आंसर हो जाएगा।
सही है। एक और एग्जांपल करते हैं, कंपेयर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ले रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा दो आप, तो लिथियम क्या बन जाएगा? बेरिलियम, बेरिलियम बोरोन बन जाएगा, बोरोन कार्बन बन जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन बन जाएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा किसकी रहेगी इसमें, सबसे ज्यादा किसकी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आप अच्छे से जानते हैं कार्बन की होगी, यानी नंबर वन पे ये। फिर नंबर टू पे हाफ फिल और फुल फिल दोनों की क्या होती है? बहुत कम, दोनों की जीरो, तो सेम बोल सकते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों की जीरो है, नॉट डिफाइंड है, तो बराबर कर सकते हो। तो नंबर वन पे तो आ जाएगा आपके पास कार्बन, यानी ये कार्बन की जगह आपको क्या लिखना है? बोरोन, फिर बेरेलियम, फिर आपको लिखना है लिथियम और अप्रोक्सीमेट कार्बन, इस जगह जाएगा। बोलो क्लियर है? दोनों ही जीरो हैं और जीरो में ज्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों जीरो है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा बड़ी बात कर रहे हैं तो या तो ये आंसर दिया जाएगा तो बेस्ट है, नहीं तो कार्बन और भी कम कर देना। हाफ फिल पी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फुल फिल एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये मेरा मानना है, आप बस इतना सा कर लें, बाकी सही आंसर तो यही होगा। आयनाइजेशन एनर्जी की एक एप्लीकेशन है, क्या हम किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर बता सकते हैं? हाँ, तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले ये टॉपिक खत्म करें। बाय द आयनाइजेशन एनर्जी, वी कैन प्रेडिक्ट ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का ग्रुप नंबर आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हो, ए की आयनाइजेशन एनर्जी 1, IE2, IE3, IE4 और कुछ इस तरह की वैल्यू दे रखी है किलोजूल पर मोल में, समझना, हाइपोथेटिकल डाटा ले रहा हूं, 100 110, समझिए, और अचानक मैंने दे दिया 910, फिर 950, तो इसका मतलब क्या है? यहां से यहां बहुत चेंज हुआ है, लगभग 9-10 गुना का चेंज हुआ है, 9, तो इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? सिर्फ दो, तीसरा नहीं निकालेगा, क्योंकि दो तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तीसरा अचानक कितने टाइम्स बढ़ गया? 9 गुना, समझ में आ रहा है? तो इससे मतलब ये है, ए शो ए प्लस टू, बस दो तो निकाल देगा, प्लस टू, ये प्लस टू को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और जब ये दो ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या निकालेगा? दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसका मतलब ए, इट मींस ए बिलोंग टू सेकेंड ए ग्रुप, सेकेंड ग्रुप से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वही है जो प्लस टू बनाते हैं, यानी ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ए की पॉसिबिलिटी होती है सेकेंड ए, यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इनमें से कोई भी हो सकता है ए। अगर ये यहां पर अचानक जो बढ़ा है वो तीन के बाद बढ़ता, तो फिर वो कौन सा होता? बैगन, आलू, गाजर इन थेला। दूसरा की इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंतजार कर रहा है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत अच्छा है।
इफ आयनाइजेशन एनर्जी इज 11 और लेस, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और लेस, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, एंड इफ आयनाइजेशन एनर्जी इज 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और मोर, देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। ऐसा प्रैक्टिकल डाटा से आ रहा है, यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ए से ए प्लस बना, ए प्लस से ए प्लस टू बना, समझ रहे हैं? और यहां दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और यहां दे रखा है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो स्टेबल कौन होगा? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ए प्लस, ना कि ए प्लस टू। एग्जाम्पल, और अगर ये 20 की जगह, समझना, ये 20 की जगह अगर 7 होता तो ए प्लस टू। क्यों? क्योंकि 16 से कम होना है। अब आप कहेंगे 11 से 16 के बीच में क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। फिर प्रैक्टिकल डाटाबेस है, कोई दिक्कत समझने में? तो दूसरी तरफ मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यहां पर आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि आगे आयनाइजेशन एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दे रखी थी। एक और एग्जांपल इसी में, अगर ए से ए प्लस बन रहा है, ए प्लस से ए प्लस टू बन रहा है, ए प्लस टू से ए प्लस थ्री बन रहा है, ये वैल्यू 2 है, ये 5 है, ये 25 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो बता सकते हो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बताइए आंसर क्या होगा इस? ए प्लस टू, कि पहला आसानी से निकल जाएगा, दूसरा भी निकल जाएगा, लेकिन तीसरा नहीं निकलेगा क्योंकि वो 16 से ज्यादा है। तो ये दोनों की पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गए अच्छे से?